हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिस्टर ऑल न्यू। आज हम सीखेंगे ओप्पो F1 सीरीज़ में FRP लॉक कैसे तोड़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करना भी नीचे। सबसे पहले हमको इंटरनेट कनेक्शन करना है, उसके बाद कोई भी कनेक्शन जो वाईफाई से करना है, डेटा चालू करना है तो कर सकते हैं आप। डेटा चालू करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमको चेकिंग आएगी, उसके बाद गूगल पे जाकर सेटिंग ओपन करनी है कीबोर्ड की। उसके अंदर हेल्प और कोई सिलेक्ट करके गूगल असिस्ट खोलना है। गूगल असिस्ट खोलने के बाद हमको एक ऑप्शन आ जाता है सर्च का, तो हम उसमें सेटिंग सर्च मारेंगे तो हमारी जो मेन सेटिंग है ना वो दिखाई देगी, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। इस सेटिंग ओपन किया, सेटिंग में जाके ये सब मोबाइल में क्या बिल्ड नंबर आता है, तो बिल्ड नंबर ये फ़ोन में फ़ोन के अबाउट फ़ोन अबाउट में आता है, तो वहाँ पे जाके फ़ोन अबाउट में बिल्ड नंबर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, सॉरी डेवलपर ऑन करना पड़ेगा जो बिल्ड नंबर से होता है। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, 7 बिल्ड नंबर पे 7 बार टैप करना है जिससे क्या फ़ोन डेवलपर ओपन हो जाएगा। अभी हमको डेवलपर सेटिंग में जाना है। डेवलपर सेटिंग में जाकर जो OMEE है उसको ऑन कर देना है। OMEE अनलॉकिंग, इसका मतलब मैं मोबाइल रिसेट मारूंगा तो मुझे वापस जीमेल आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। इससे करने से एक फ़ायदा है कि वापस ये प्रोसेस आपको दोहरानी नहीं पड़ेगी और आपका FRP लॉक टूट जाएगा। उसके बाद FRP डेटा रिसेट कर रहा हूँ मैं, ऑल डेटा रिसेट कर देता हूँ। पासवर्ड एज यूजली 0 0 0 1 2 3 4 ऐसा आता है, यहाँ पे 0 0 0 है। मैं यहाँ पे कुछ टाइम लगता है, फिर वापस उसको मैंने रिबूट किया, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये आपका FRP लॉक टूट गया। थैंक यू। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।